चानक हर टाइम नहीं आना सकता। हाँ, आज अपने घर का बर्तन भेज दे, पेपर बाटली भेज दे, कपड़ा बकस भेज दे और सब नौ नंबर के घोड़े पे लगा दे। हाँ, अपना रेस वाला बोला है कि नौ नंबर का घोड़ा अनाज मांगता है। हाँ, अरे हाँ हाँ प्यारे, ये पेपर बाटली तो क्या, अगर ये खोली अपने बाप की जायदाद होती ना तो ये भी बेच के लगा डालता क्या। लेकिन तुम फिक्र ना करो जी, मैं अब भी आया। मिल गया, मैं कहता हूँ मिल गया, इतने दिनों की तलाश के बाद आज मिल ही गया। हाय राम, काहे को कान खाए जाते हो, आखिर क्या मिल गया तुम्हारे? अरे घोड़ा। घोड़ा? तुम कहीं घास तो नहीं खा गए? यहाँ अपने पेट तो भरते नहीं और तुम वहाँ घोड़ा ले आते हो? घोड़ा नहीं जी, जोड़ा, मतलब है दो नौकरियाँ। ये कम वक्त जबान भी क्या दगा दे जाती है जी। लेकिन तुम फिक्र ना करो जी, अपना टाइम अच्छा आ रहा है, कहाँ तो एक नौकरी नहीं दिखती थी और अब तो भगवान कसम दो दो खाली पड़ी है, दो दो। हाय राम। काशीनाथ जल्दी आना मांगता है भाई। अरे अभी आ भाई, रोटी कहाँ है जी? अरे कहाँ मर गई? अरे गौरी, अरे ओ गौरी। अभी रोटी बेली जा रही है? भगवान कसम इस घर में टाइम पर कुछ तैयार ही नहीं रहता जी। यहाँ हाथ से घोड़ा जोड़ा निकला जा रहा है, एक मिनट की भी देर हो गई तो सब चौपट हो जाएगा, भगवान कसम सब चौपट हो जाएगा। ये छोकरी किसी काम की नहीं है, मैं सवेरे से चिल्ला रही हूँ जल्दी से रोटी डाल ले, लेकिन इसके तो हाथ टूटे हुए हैं। अजी सुनती हो जी? आई आई, क्या है? मैंने कहा वो तेरे पास थोड़े पैसे हैं? पैसे काहे के लिए? अरे टैक्सी के लिए। हाय राम, तुम नौकरी को जा रहे हो या हवाखोरी को? तुम नहीं जानती जी, वो टैक्सी पे बैठ के जाने से बड़े साहब पर रौब पड़ जाएगा, ये सब दिखावट का जमाना है जी, दिखावट का। क्या वो चप्पल फट फट करते करते जाओ तो 30 रुपए की तनख्वाह भी नहीं मिलती और टैक्सी पे बैठ के रौब से जाओ तो फौरन 100 रुपए की मिल जाए क्या? लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। गौरी तेरी तनख्वाह मिल गई? नहीं चाचा, शायद शाम को मिल जाए। लेकिन मुझको तो इस टाइम जरूरत है। ये कड़की भी क्या बुरे टाइम पे आती है जी। चलो बेटा काशीनाथ, जो होगा देखा जाए। चाचा तुम्हारा खाना। हाय 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 हाय, फिर पीछे से आवाज दे डाली। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर जाते टाइम पीछे से मत बुलाया कर। ऐसे मैं काम को जा रहा हूँ। जय हो जय हो प्रभु, जय हो जय हो। अरे तू बांझ भरकी हो गई और अभी अक्कल नहीं आई? उसने काम तलाश करते करते अपना चप्पल तोड़ डाला और आज कुछ पता चला तो बेचारे को बिना खाए जाना पड़ा और फिर पीछे से उसे पुकार लिया। अरे कल मुही, तू कब समझेगी आखिर? मैं तो खाट पर पड़ी हूँ और तू वक्त से रोटी भी नहीं बना सकती। तेरे को काहे के लिए पाला पोसा है, फांसी देने के लिए? मुझे पता नहीं था कि चाचा इतने सवेरे जा रहा है। ना तेरे को तो कुछ पता रहता भी है? बस दिन भर महारानी बनी फिरती रहती है और कुछ आता है तेरे को? तूने जब से इस घर में पैर डाला है आफत पर आफत ला रही है। जब तक हमारा सत्यानाश नहीं होगा तेरे को चैन नहीं पड़ने का। राम जाने वो कौन सी बुरी घड़ी थी जो तेरे को उठाकर यहाँ लाए, अच्छा होता जो वही पड़ी पड़ी मर जाती। अब ऐसे क्या खड़ी, काम पर नहीं जाएगी क्या? अब नौकरी भी खो के रहेगी? जा काम पर। अभी ये सब रहने दे, काम पर जा। अरे जल्दी कर,
काम पे जा रही हूँ। तुम काम पर तो रोज जाती हो दीदी, आज ना जाओ। आज कैसे ना जाओ, अगर काम पर ना जाओ तो नौकरी चली जाएगी। तो ज्यादा डर से क्या होता है? आहा, उससे क्या होता है, अगर नौकरी नहीं तो तनख्वाह नहीं, तनख्वाह नहीं तो खाना नहीं। फिर कहानी भी नहीं। कहानी सुनाऊंगी लेकिन अभी नहीं, जब वापस आऊंगी तो जरूर सुनाऊंगी। 8 रुपए पुणे दुवानी बीवी जी। अब वक्त हुआ तेरे आने का? मैं तो रोज इसी वक्त आती हूँ बीबी जी। क्या, तो मैं क्या झूठ कहती हूँ? मेरे सामने मुंह खोल दिया बेशर्म। मैंने तुझे काम के लिए रखा है या गजबर की जबान चलाने के लिए? मुझे ऐसे मुंह फट लड़की की जरूरत नहीं। नहीं नहीं बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है, इस बार तो छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रख, फिर कभी ऐसा किया तो चुटिया पकड़ कर बाहर कर दूंगी, समझी? गोरी तोरे नैनो के बान। देख गोरी, गम मत खा। बावरी, तू इस तरह से गम खाएगी तो तेरी इस खूबसूरती को घुन लग जाएगा। देख, अपनी मलकिन का ये पेच है ना, जरा ढीला है, तू भी अपने कानों के पेच ढीले कर ले। इस कान से सुनी और इससे निकाल दी। डाटा किसी ने और गुस्सा किसी पर। बनारसी दास के लड्डू का भी जवाब नहीं। वाह वाह, ए ले चक्के देख, तेरी कसम सेहत बन जाएगी। जियो, तेरी कसम गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है तू। सच? तेरी कसम। अब ये बकवास बंद करेगा या नहीं? नहीं तो अभी जाके बीबी जी से कह दूंगी। अरे बीबी जी को काहे को बीच में घसीटती है गौरी, मामला तो हम दोनों का है। गौरी, तुझे क्या मालूम मुझे तेरा कितना ख्याल रहता है। ए? अरे क्या 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 तोड़ा है? है? बेवकूफ, तूने मेरी सबसे अच्छी चादर तोड़ डाली, सारा सेट उठाकर बेकार कर दिया। तेरे हाथ है या छलनी, मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस के हवाले न कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। पैसे? टके की छोकरी और तू इसके पैसे देगी? जानती है इसकी कीमत क्या है? जो आप कहे, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। तेरी तनख्वाह क्या 100 सैकड़े है? इसके दाम पूरे करने के लिए तुझे महीनों काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं करूँगी, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले न कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। खाली, दीदी का पेट खाली, छोटे का पेट खाली। चल आज कहानी खूब जमेगी। कहानी सुनाओ दीदी। देखो आज राजा की कहानी नहीं, रानी की कहानी नहीं और परी की भी कहानी नहीं, आज कहानी होगी। अरे
तेरी गुड़िया को क्या हो गया? गुड़िया टूट गई दीदी। टूट गई? अच्छा आज तुम्हें इस छोटी सी गुड़िया की कहानी सुनाती हूँ। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। बिछोने थे आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियाँ थी, दुख भरी अखियाँ थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आँखों में पानी।
सुहानी सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। गौरी, ओ गौरी, गौरी तेरी तनख्वाह मिल गई। अरे तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं, तनख्वाह किधर है? मुझसे एक चायदानी टूट गई थी चाचा। अरे कमबख्त, मैं तनख्वाह पूछ रहा हूं और तू चायदानी बता रही है? मेरी सारी तनख्वाह उसी में कट गई। तू अब बर्तन धोने के लिए जाती है तोड़ने के लिए? इस छोकरी ने तो हमारा नाक में दम कर डाला है। बाहर जाए तो नुकसान करे और घर में रहे तो खाना ठोसे। हाय राम, ये हमारे पल्ले काहे को पड़ गई। इस लफड़ेबाजी से तो अपना काम नहीं बनना मांगता, हम पीछे और किसी टाइम पर आना सकता। तेरे को आज रात भर बाहर जाने में रखूंगी, फिर रख कल आएगी। चल देखते क्या हो जी। मैं तो इस छोकरी से भर पाई। हा? हम इसके लिए बहुत कर चुके हैं। आखिर हमने इसकी सारी उम्र का ठेका तो नहीं ले रखा है। अब ये बच्ची नहीं है, अपना भार उठा सकती है। हमने इसे पाल पोस दिया है, अब जहाँ इसके सीन समाये चली जाए। तुम इससे कह दो जी। हाँ कह दूंगा, तो भाजी दे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, दो रोटी और थोड़ी सी चटनी लाया हूँ, खा लो दीदी। देवी नमस्ते करो, गौरी को नमस्ते करो ना, नमस्ते करो गौरी को, नमस्ते नहीं करती। गौरी मुझे बड़ा अफसोस है, कल तेरी तनख्वाह कट गई, तेरी किस्म बहुत अफसोस है मुझे। मैं पूछ रहा हूँ गौरी, तबीयत तो ठीक है ना? जियो, ये लड़की भी क्या बिलायती थर्मामीटर है, बस जरा नजर लगी और पारा चढ़ा। गौरी देख, तुझे मेरा ख्याल तो नहीं, पर जरा अपना ख्याल तो कर। गोरे गोरे हाथ राख से खराब करने के लिए नहीं, मेहंदी लगाने के लिए बने। देख गौरी, जो तू ऐसे ही रही ना तो सारी उम्र बर्तन मलने में कट जाएगी और मेरे साथ रानी बनकर रहेगी। बस एक बार शादी कर ले तू, तेरी कसम फ्रंटियर मिल में ले जाऊंगा, तो दिल्ली आगरा घुमा दूंगा, ऐस करा दूंगा ऐस। तू जाता है या नहीं? नहीं तो अभी जाके बीबी जी से कह देती हूँ कि तू मुझे परेशान करता है और चीजें चुराता है। अरे 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 अरे, तू कहाँ जा रही है गौरी, मैं खुद ही चला जाता हूँ। लेकिन देख गौरी, एक दिन तेरे को मेरा ख्याल आएगा और तू पछताएगी। हाँ कह देता हूँ मैं। हाँ जब मैं यहाँ आई ना तो बेबी इसी के पास खेल रही थी। और तेरे पास नहीं खेल रही थी? झूठे,
ये झूठ कहता है बीबी जी, ये पक्का चोर है, जरूर इसी ने चुराई है, आप इसकी तलाशी लेके देखिए। बीबी जी देख लीजिएगा, ये आपके सामने मुझे चोर बता रही है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। बीबी जी खामोश, तुम दोनों ने माला नहीं ली तो जमीन खा रही क्या? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सब पता चल जाएगा। नौकर के पास कुछ भी नहीं। सरकार आपने मेरी तलाशी तो ले ली, लेकिन अब गौरी की तलाशी भी लेनी चाहिए। बेशक देख लीजिए। आप जरा इनकी तलाशी ले। देखिए मेरे पास तो, अरे ये क्या, दिखा यही है शोभा की माला। ये यहाँ कैसे आई? आए हाय बेशर्म चोर, तू तो कहती थी कि मैं शोभा के पास नहीं गई, फिर ये माला कहाँ से आ गई? नहीं नहीं मैंने माला नहीं चुराई, मैंने कभी चोरी नहीं की। तो फिर ये तुम्हारे पल्लू में कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं कसम उठा के कहती हूँ मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने ये माला नहीं चुराई। चलो मेरे साथ। लेकिन मैंने माला नहीं चुराई, मुझ पे विश्वास कीजिए। मैंने कभी चोरी नहीं की बीबी जी, इनको समझाइए ना, मैंने कभी चोरी नहीं की, देखिए ना। वाकयात और शहादतों से ये पूरे तौर से साबित नहीं होता कि मुलजिमा ने माला चुराई थी। इसके अलावा वह भी नाबालिग, और इससे पहले उसने कोई जुर्म नहीं किया, लिहाजा अदालत उसे 1 साल के नेक चाल चलन की जमानत पर, जो उसके चचा श्री काशीनाथ दे रहे हैं, रिहा करती। चाची मैं वापस आ गई हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लाओ मैं फटका दूँ। दो हाथ चोटती कहेगी, जिन हाथों से चोरी करती है उनसे मेरा नाच फटकेगी, तेरे हाथ नहीं तोड़ डालूंगी। अब यहाँ किस लिए आई है बेशरम, निकल जाए यहाँ से। चाची हम कंगाल भले हैं, हाके करते हैं, तेरा चाचा कमाता नहीं और मुझे रोग लगा है, फिर भी हमने किसी की पराई चीज को हाथ नहीं लगाया। चाची आज तक मैंने भरी बस्ती में किसी को उंगली नहीं उठाने दी, अब चोटी को घर में रख के दुनिया जहान को थूकने दूंगी। निकल जा मेरे घर से, और ये काला मुंह फिर कभी मत दिखाना। जा निकल जा, निकल जा यहाँ से। चाचा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तुम दोनों के सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ जी, मैंने तेरे को जेल जाने से बचा लिया, अब तो और क्या चाहे। चाचा इस घर में तेरी चाची की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं तेरे को 1 मिनट यहाँ नहीं रख सकता क्या? नहीं नहीं चाचा मुझे ना निकालो, मुझ पे दया करो, मुझे ना निकालो। हाँ हाँ हम तेरे को निकालेंगे काहे को, हम तो तेरे को घर में रख के तेरी पूजा करेंगे, चाहती है या नहीं? हम तेरे कारण पहले ही बहुत आफत उठा चुके हैं बेशरम, भरी बस्ती में हमारे मुंह पर कालक पोत दे, अभी चैन नहीं पड़ा, अब यहाँ क्या कर रही है? निकल जा, निकल जा नहीं तो हड्डी पतली तोड़ दूंगी, निकल जा यहाँ से। तुम कह रही थी ना नौकराने की जरूरत है, ये रहे।
क्या क्या काम कर सकती है? जी घर का सभी काम कर सकती हूँ, बर्तन मांज सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, बच्चे को खिला सकती हूँ। क्या तनख्वाह लोगी? बस खाना कपड़ा और रहने को जगह दे दीजिए। तू रहती कहाँ है? मेरा कोई घर बार नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं। पहले कहाँ काम करती थी? पहले एक सेठ के घर में। वहां से क्यों छोड़ दिया? जी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया था, असल में उनके एक नौकर की शरारत थी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया और मुझे सजा दे दी। नहीं नहीं, हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है, तो अपनी राह ले। देखो कपड़े वॉशिंग कंपनी में धुलते हैं, खाना होटल से आता है और बीवी है ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि बर्तन वर्तन मांजने के अलावा और भी कुछ कर सकती हो? ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। ये लो। मास्टर ये छोकरी अभी चोरी में से पकड़ी गई और अभी पुलिस स्टेशन से छूटी। अच्छा यहां ना पड़की, यहां चोरों के लिए काम नहीं है, चली जाओ यहां से। दुनिया गम का मेला है, ये दुनिया गम का मेला है, मुसीबत की कहानी है, कोई रोए कोई गाए, अजब ये जिंदगानी है। हमें भी दे दो, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, पलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं, पलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। भरा हो पेट तो भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, सताए भूख तो ईमान डगमगाता है, सताए भूख तो ईमान डगमगाता है, भलाई कीजिए भलाई कीजिए, दो दिन के ये नजारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, पलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। तेरे जहान से तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए, तेरे जहान
हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए, तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। गरीब ही सही गरीब ही सही, आखिर तो हम तुम्हारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के दे सहारे हैं, कलप की गोद से टूटे हुए सितारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। ए, क्या लगा रखा है इधर? जो बे बुड्ढे किसी का जेब पॉकेट कटवा गए, भीड़ी इकट्ठी करके चल खा जा यहाँ से। अच्छा बाबा हट, चलो 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 यहाँ से, बिना रसीद के मनी ऑर्डर हो जाएगा, नहीं तो अभी नहीं जाएगी बाबा। सुनो ये लो, यहाँ पड़ा था। भगवान तेरा भला करे माई, मेरा भगवान मर चुका है, ये मुझे दे दो। ले ले माई। पापे लाल सब मौजूद हो राज भाई, यार तुम्हारे लिए कब से खड़े खड़े सूख रहे हैं। प्यारे मेरी मोहब्बत में बड़े बड़े सूख के मजनू हो गए, आ जाओ चलो। बाके गौरी तू कब लौटी? अभी सब कुछ बता देती हूँ, अपने दोस्तों से कहते चले जाए। हाँ हाँ अगर तू कहे तो मैं इन सबको तड़ी पारी यानी कि शहर से चलता कर दूं। भाई लोग पापा जरा आ जा आ जा आ जा आज मैं आज सवेरे से सोच रहा था कि मेरी दाहिनी आंख क्यों फटक रही, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुझे आना है। सच मान गौरी मैं तो तेरे लिए दुआ करता रहा हूँ, शुक्र है उस परमात्मा का कि तुझे जेल नहीं हुई। मैं जेल जाने से तो बच गई, लेकिन मेरे माथे पर जो कलंक लगा था वो अब तक चमक रहा है। लोग मुझे अब भी चोर समझते हैं, चोर कहते हैं। लोग गधे हैं गौरी, उन्हें क्या मालूम रहता है। और सुन, चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई घर नहीं। ये तो क्या बोलती है गौरी। और सुन, मैं काम के लिए दर बदर भटकती रही हूँ, लेकिन मुझ पे हर दरवाजा बंद कर दिया गया। गौरी, और जानता है मैं दो दिन से भूखी हूँ, दो दिन से रोटी का टुकड़ा तक नसीब नहीं हूँ, खुश है ना? गौरी तूने दो दिन से खाना नहीं खाया और तू समझती कि मैं खुश हूँ? ठीक है, लेकिन जानता है इसका जिम्मेदार कौन है? तू। गौरी, तूने मुझे गलत समझा है, गौरी तूने मुझे गलत समझा है। गौरी तुझे मालूम नहीं कि मेरे को तेरा कितना ख्याल है। गौरी तेरा मेरी बात सुन, तेरा मेरी बात सुन, देख तू यहाँ आराम से बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। खाना? मैं तेरे हाथ से जहर भी नहीं खाऊंगा। अच्छी बात है, मत खाना मत खाना, लेकिन देख गौरी तू जरा शांति से काम ले। गौरी तेरे चाचा चाची ने तुझे घर से निकाल दिया ना, कोई बात नहीं, तू इस टूटे फूटे घर को अपना घर समझ और जब तक जी चाहे तू यहाँ रह सकती है। यहाँ इस घर में तूने मेरी जिंदगी तबाह की है और मैं तेरे घर में रहूं, बदमाश। तू खामुखा गुस्सा कर रही है गौरी, तू खामुखा गुस्सा कर रही है। देख गौरी मेरी बात सुन, मैंने एक बार गलती जरूर की लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। तू कमीने जलील। गौरी अगर तू मुझे इतना ही जलील कमीना समझती है तो तू ले मार ले, मार ले मुझे। जानता हूं गौरी, मैं जानता हूं कि मेरे कारण तुझे बहुत तकलीफ हुई, तेरी नौकरी चली गई, तेरा घर चला गया, लेकिन गौरी आज शाम तक तुझे नौकरी नहीं दिला दूं तो मेरा नाम बांके नहीं, मेरी बात पर यकीन कर, बुरे आदमी के सीने में भी दिल होता है। इस वक्त घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं अभी ये आता हूं, जब तक तू यहां आराम से बैठ
मैं अभी खाना लेकर आता हूं। देखो हवलदार साहब वो रहे, देख लीजिए आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक हाथ में लकड़ी लिए हुए खड़ी हुई है। हवलदार साहब एक वक्त मैंने इसको चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया था, इसलिए मुझे मारने के लिए आई थी। अब कोई मर्द होता तो मैं उससे बात करता, अब ये लड़की के साथ मैं इससे क्या बात करूँ। हवलदार साहब अगर आपको विश्वास नहीं होना तो ये मोहल्ले वालों से पूछ लो। अरे क्यों भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए आप। झूठे कमीने, मैं कहती हूँ ये पक्का बदमाश है, बिल्कुल झूठ कहता है। लेकिन आप हमेशा इसी की सुनते हैं, मेरी कभी नहीं सुनते। ये जो कहे सब सच है और मैं कहूँ सब झूठ है। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बुराई नहीं की इंस्पेक्टर साहब। लेकिन तुमने सिपाही के सामने इसे नहीं पीटा? मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार डालती। इस बदमाश ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं इसे मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी। उसके बाद चाहे आप मुझे फांसी दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं। देख लो सरकार, देख लो मैं क्या झूठ कह रहा था, ये आपके सामने ही सब कुछ माने ले रही है। सलाम इंस्पेक्टर साहब, अब की कमबख्त ने क्या कर डाला हुजूर, पिछले टाइम तो माला चुराई थी। देख लो सरकार, देख लो इसका अपना चाचा ऐसा बोलता। समझ रहा हूं जी। काशीनाथ जी, मेरी बात, तुमने इसके नेक चाल चलन की जमानत दे रखी। जी हुजूर। फिर तुम क्यों नहीं इस पर ध्यान रखते? जानते हो ये इसको मारने के लिए इसके घर गई थी। अच्छा हुजूर, ये हमें चौपट कर डालती है जी। क्या हाय राम, बेहतर यही है कि तुम इसे घर ले जाओ और इस पर ध्यान रखो, आइंदा ऐसी गलती न होने पाए, समझे? हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्या खबरदार, अगर इस चुट्टी को घर में लाए टांगे तोड़ दूंगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक बार तो मैंने इस कमबख्त को जेल की हवा खाने से बचा लिया था, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या लेकिन तुमने इसकी जमानत दे रखी है, ये और कहाँ जा सकती? चूल्हे में जाए, आखिर अब ये बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा देख सकती है। ये कल मुही आगे ही हम लोग को काफी आफत में डाल चुकी। हाँ, मैं हमेशा आफत लाती हूँ, मैं हमेशा से बुरी हूँ, चोर हूँ, जलील हूँ, और तुम सब अच्छे हो। ये तुम्हारा बाकेलाल भी देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आज चाची मुझे घर से निकाल सकती है, चाचा मुझसे मुंह मोड़ सकता है, बाकेलाल मुझे चोर बना सकता है, सारी दुनिया मुझे ठुकरा सकती है, लेकिन कभी मेरा भी वक्त आएगा और मैं इस बाकेलाल को सबक सिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे तेजी में ना आओ, जरा ठंडे दिल से काम लो। देखो तुम्हारा चाचा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं। और ना मैं उस घर में जाना चाहती हूँ, मेरे लिए वो घर उजड़ चुका है, चाचा चाची मर चुके हैं। मैं किसी पटरी पर जा रहूंगी, किसी पेड़ के नीचे सो रहूंगी, भूखी मर जाऊंगी, मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं। लेकिन जब तक मैं इस बाकी को सबक न सिखा दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। हुजूर, हुजूर, देखिए ना हुजूर, देखिए। इस वक्त तुम आपे में नहीं हो गौरी, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें इस हालत में बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा। देखो काशीनाथ, मैं अनाथ आश्रम को फोन करता हूँ और देखता हूँ अगर वो इसे रखे। आश्रम? मैं आश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं गौरी, जब तक इस मामले का फैसला ना हो जाए तुम और कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारा आश्रम में जाना ही अच्छा है। गौरी, पकड़ो। छोड़ दो इसे। आओ, इधर आओ। ये इसका साहब। ये तो बहुत बड़ा केस मालूम होता है, इतनी छोटी सी जान और इतनी लंबी कहानी। आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? ये मुरलीधर हैं, ये हम सबके दोस्त हैं।
और ये हमारे आश्रम के सुपरिंटेंडेंट हैं, इन्हें सब दीदी कहते हैं। नाराज हो? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? नहीं! मुझे भी पसंद नहीं है। मैं भी चाहता हूं यहां से भाग जाऊं, हरे भरे खेतों में चला जाऊं, समुद्र के ठंडे तट पर जा बैठूं, पहाड़ों की धुंधली चोटियों पर जा पहुंचूं, लेकिन नहीं जा सकता। हमारी इस छोटी सी दुनिया में चारों तरफ निराशा है, दुख है, टूटे हुए सपने हैं, इनसे भागकर हम कहां जा सकते हैं? ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। ये बकवास नहीं, जिंदगी की छोटी सी सच्चाई है। मैं बहुत जिंदगी देख चुकी हूँ और सच्चाई को भी अच्छी तरह जान गई हूँ। बता मुझे क्या सजा देते हो? सजा? और नहीं तो क्या, ये लोग मुझे हवा खाने के लिए यहाँ लाए हैं। कौन जाने? मैं जानती हूँ, मैंने तुम जैसे देवता बहुत देखे हैं, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें सजा का इतना ही शौक है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और पहली सजा ये है कि अपनी दीदी के साथ जाओ, नहा धो लो, कुछ खाओ पियो और थोड़ी देर आराम करो। तुम मेरे आराम की फिक्र न करो, मुझे आज तक आराम ही मिला है और मैंने पेट भर भर के खाने खाए हैं, बहुत खाए हैं। अच्छा अच्छा, पहले जाके नहा धो लो, फिर देखा जाए। चलो आप हटो, मैं खुद जा सकती हूँ। सब बकवास है भैया, तुम्हारा आश्रम भी अजीब मुसाफिर खाना है और इसमें कोई ना कोई आ ही पहुंचता है, कोई सीढ़ी, कोई सौदाई, कोई लड़ाका, कोई लड़ाकी, कोई पागल, कोई नीम पागल। मगर भैया ये लड़की स्पेशल पागल मालूम होती है, तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। तकलीफ तो सभी देती है मुरली, लेकिन इनमें जो मेरा विश्वास है वो कभी बेकार नहीं जाता। जानते हो कमल हमेशा गदले पानी में होता है और हीरा कोयले की कान। तुम कोयले की कान में हीरा ढूंढते ढूंढते खुद राख हो जाओगे, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल करो। दिल की बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं होती, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो। चिंता ना करो मुरली, मुझे कुछ नहीं होगा। घबराओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। देखो ये सब तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे खाने वाने का इंतजाम करके आती हूँ। क्या बात है, कहो चोरी डाका फसाद कौन सा तीर मारा है? क्या बात है, कहाँ चली? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? दीदी वो नई लड़की भाग गई। भागना चाहती हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। चलो आओ। क्या बात है मुरली? कुछ नहीं भैया, हम दोनों जरा वर्जिश कर रहे हैं। ये झूठ कहता है, मैं यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन इस... हाँ 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 भैया ठीक है ठीक है, इस शहर में हर शख्स भागने की कोशिश कर रहा है, कोई मकान के लिए, कोई दफ्तर के लिए, कोई रेल के लिए, कोई बस के लिए, कोई मालिक मकान से भागता है, कोई दुकानदार से, कोई बरसात से, कोई धूप से, मगर ये कोई नहीं जानता कि क्यों भाग रहे हैं। बात यह है भैया के सब बकवास है भैया, ये झूठ कहती है, मैं भाग रहा हूं अकेला। गौरी तुम क्यों भाग रही थी? मुझे किसी से हिसाब चुकाना है। हिसाब? कैसा हिसाब? ये मैं नहीं बता सकती। गौरी ये जेल नहीं है, ये तुम सबका घर है और यहां घर की पूरी आजादी है, लेकिन इस घर के भी अपने कायदे कानून हैं और तुम इन्हें नहीं तोड़ सकती। गौरी तुम एक वादा करो,
वादा करो कि अब तुम कभी भागने की कोशिश नहीं करोगी। मैं कोई वादा नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, झूठा वादा करने के बजाय तो यही अच्छा है कि वादा किया ही ना जाए। बाबूजी, बाबूजी। घबराइए नहीं, सब ठीक है। अच्छा अब तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, इससे तुम्हारा मन कुछ शांत हो जाएगा। उसके बाद हम तुम्हारे बाहर जाने के बारे में सोचेंगे। जरा नजर रखिए भैया। शुक्र करो मैंने देख लिया, वरना ये भाग जाती, बहुत तेज भागती है। जब इंसान उलझनों से घिर जाता है तो जिंदगी से भागना चाहता है। भैया तुम ठीक कहते हो, सब बकवास है। ईरा पानी लुटिया तेल साबुन, तुम नहाई लो। मुझे नहाना आता है, तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? तुम जा सकती हो। मोर का ख्याल करत हो, ये कपड़ा उतार दो और नहाई लो। मैं तुम्हारे सामने नहीं नहाऊंगी, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाओ, हमको तोरे संग्रह का हुक्म मिला है, हम तो क्या अकेली नहीं छोड़ सके। अच्छा ये क्या है, ये सब क्या है? देखो ये का हम नायक को काट रहे और ये सब का कर दे ले। ये क्या किया तुमने? तुम सबके साथ बुरा बर्ताव कर रही हो, मुझे तुम्हें बाबूजी के पास ले जाना पड़ेगा। ले चलो, मैं तुम्हारे बाबूजी से नहीं डरती, इसे साथ ले चलो। क्या बात है, बाबूजी? बाबूजी इस नई लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। पहले भागने की कोशिश की, अब वार्डन पर गर्म पानी डाल दिया। मालूम नहीं उसे क्या हो गया है, बहुत बुरा बर्ताव करती। इंसान कभी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं, लोग उसे बुरा बना देते हैं, हम उसे बुरा बना देते हैं। लेकिन यहाँ तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी, फिर वो क्यों ऐसा कर रही है, बिल्कुल पागल की तरह। पागल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके भी माँ बाप थे, उन्होंने आपको बड़े प्यार से पाला पोसा होगा, लेकिन फर्ज कीजिए आपकी माता ने कभी आपको गोद में ना उठाया, आपके पिता ने कभी प्यार से आपके सर पर हाथ ना रखा हो, आपको यह भी मालूम ना हो कि आपके माँ बाप कौन थे, तो आपके दिल की क्या हालत हो? फर्ज कीजिए आप औरों के लिए खून पसीना एक करें, दिन रात उनकी खिदमत करें, इसके जवाब में आपसे सीधे मुंह कोई बात तक ना करें, आपको भरपेट खाने तक को ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? ये है उसका रिकॉर्ड, इसमें लिखा है कि उसने एक माला चुराई थी, वो कहती मैंने नहीं चुराई, जाने सच्चाई क्या है? लेकिन अगर उसके यही लक्षण रहे, उसे देखकर और भी लड़कियां बिगड़ सकती हैं। तो फिर हम यहाँ किस लिए हैं? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है या फिर खत्म हो जाती है। आज इस लड़की की जिंदगी में ऐसा ही वक्त आया, वो जिंदगी और मौत की सीमा तक आ पहुंची है। अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद उसकी जिंदगी बच जाए, और अगर नहीं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो फिर से अपने पांव पर खड़ी हो जाए। अब बुलाइए उसे। तुम्हारी फिर शिकायत आई, तुमने इस पे गर्म पानी डाला, इसे पीटने की कोशिश की, क्या ये सच है? हाँ। क्यों? ये मुझे अपने सामने नहाने को कहती थी, वहां से हटती नहीं थी। तो ये उसका फर्ज था? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था। अब तो पता चला कि मैं बुरी हूँ, अब निकाल दो मुझे यहाँ से, जाने दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए अब तुम्हें अलहदा कमरे में रखा जाएगा, तुम अकेली रहोगी, तुमसे बात नहीं करेगा, तुम किसी से मिल नहीं सकोगी, समझी? ले जाइए इसे। मैं अब भी कहती हूँ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, देखो पछताओगे। अरे प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के
प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम चले जाएंगे जहां से पागल पंछी उड़ने को बेफरार उड़ने को बेफरार पंख है कोमल आंख है धुंधली जाना है सागर पार जाना है सागर पार अब तू ही से समझा अब तू ही से समझा राह भूले थे कहाँ से हम राह भूले थे कहाँ से हम उधर है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी उलझन आन पड़ी कानों में जरा कह दे कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम कि आए कौन दिशा से हम तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तू प्यार का सागर क्या बात है घबराओ नहीं मुझसे कोई खतरा नहीं दोस्त नजरें बददूर बहुत अक्कड़ मालूम होती हो लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है कहो पहली बार पकड़ी गई हो मुझे किसी ने नहीं पकड़ा मैंने कुछ नहीं किया हाँ हाँ जब मैं पहली बार पकड़ी गई थी तो मैंने भी यही कहा था क्या समझी मैं कहती हूँ मैं चोर नहीं हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया अच्छा बाबा अच्छा गुस्सा ना करो अनाड़ी के साथ शुरू शुरू में ऐसे ही होता है
लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब गुर सिखा दूंगी और ऐसे तैयार करूंगी, ऐसे तैयार करूंगी कि बड़े बड़े उस्तादों के कान काटोगे। क्यों, क्या ख्याल है? क्या बात है, पक्के हाथ हैं। लेकिन देखो, किसी पर वार करना हो तो तमाचे से नहीं शुरू करना चाहिए, पहले क्यों फिर क्यों? चुड़ैल कहीं की। अरे अरे, ये क्या कर रही है? कमीनी, जली, अब मैं तुझे नहीं छोडूंगी। ये बड़ी आई मारने वाली। अरे अरे अरे, अरे लगना है रे। अच्छा बाबा, अच्छा मैंने हार मान ली। ला, हाथ मिलाओ। ये क्या हो रहा है? कुछ पुतली, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, जरा टक्कर। टक्कर? हाँ, पहले हमारे ख्याल टकरा गए, फिर हम टकरा गए, अब जरा समझौता हो रहा है। जा, बाहर जा। ये सब क्या है, खाना क्यों फेंक दिया? मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, चाहो तो उठा के ले जाओ। क्या हुआ? वही नई लड़की गौरी, कल से कुछ खा नहीं रही। हम तो हर तरह कोशिश कर चुके हैं। क्या बीमार है? बिल्कुल नहीं, वो तो भली चंगी है, लेकिन कल से खाना छुआ तक नहीं। मैं भी देखती हूँ। क्या बात है गौरी, सुना है तुमने दो दिन से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम बच्ची तो हो नहीं। चलो उठो। देखो, अगर खाना नहीं खाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। चलो उठो। नहीं खाओगी तो मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। बाबूजी से कहकर तुम्हें अस्पताल भिजवा दूंगी, जहां जबरदस्ती खाना खिलाया जाएगा। देखा जाएगा। क्या बात है, जान जाए तो जाए मगर जिद न जाए। वो बहुत जिद्दी है, हमें जबरदस्ती खाना खिलाना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। नहीं डॉक्टर, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल ही आता है। ला मुझे तो खाना। देखो बेटे, तुम्हारी दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया, ये खाना ले जाओ अंदर और उसे जाके खिला दो। हैं? शाबाश। ये खाना लाई हूँ दीदी, लो खा लो। खा लो दीदी। दीदी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो दीदी। खा लो दीदी। देखो मैं खा लूंगी।
बचाओ दीदी, मुझे बचाओ दीदी। क्या हुआ, किसने मारा है तुम्हें? मेरे पति ने, मुझे बचा लो दीदी, वो मार डालेगा। लेकिन वो है कहाँ? उसने शराब पी रखी है, वो नौकरी पर नहीं जाता। मैंने अपना गहने लता सब बेच डाला, सब कुछ उसके मुँह में झोंक दिया। वो खाने को मांगता था, घर में एक दाना भी नहीं। मुझे उसने पीटा, वो हमेशा पीटता है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लो दीदी। घबरा नहीं, घबरा नहीं, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। डॉक्टर को जल्दी से बुला। गौरी, गौरी, कल सुपरिंटेंडेंट तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, और अब मैं समझता हूं कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हॉल में रह सकती हो। जी शुक्रिया। खुश हो? जी बहुत अच्छे। जी एक बात है। क्या है? अब तो मैं आश्रम के नियमों पर चलती हूँ, ढंग से रहती हूँ। अब तो मैं बाहर जा सकती हूँ ना? क्यों नहीं, बड़े शौक से, लेकिन अकेले नहीं। जी मुझे अकेले कोई डर नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम जाना किस लिए चाहती हो? ये मेरा अपना मामला है, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन कुछ हमें भी मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्यों जाना चाहती हो। मुझे किसी से हिसाब चुकाना है। गौरी, ये आश्रम तुम्हारे घर की तरह है, और घर के कुछ बंधन होते हैं। जिस तरह तुम घर के बंधनों को नहीं तोड़ सकती, उसी तरह से तुम्हें आश्रम के बंधन भी नहीं तोड़ने चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ दीदी से कह दूंगा क्या वो तुम्हें हॉल में रखे। कोई चाहे तो काम बन सकता है। क्या मतलब? तुम बाहर जाना चाहती हो, वो जाने नहीं देते, और मैं यहां खड़ी हूं। क्यों? वापस आ जाना। हाँ
कौन है? अरे तू? हाँ मैं गौरी, मुझे पहचानता है ना? ये क्या बोलती है गौरी, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊँ? चलो अच्छा है, मैं भी तुझे नहीं भूली हूँ। ये दुनिया बहुत छोटी है बाकी, और हम हमेशा मिलते हैं, मजे की बात है ना? अजीब बात है, लेकिन गौरी तू यहाँ आई कैसे? तुझसे कुछ हिसाब चुकाना है। हिसाब? मुझसे? कैसा हिसाब? गौरी ये क्या कर रही है गौरी तू? आज मेरे लिए खाना लाने नहीं जाएगा? मैं जाता हूँ गौरी, अभी जाता हूँ। अभी अभी जो कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। तू मेरे माथे पर जो कलंक लग चुका है तू उसे पहुँच सकता है? मेरे नाम पर जो चोर की छाप लग चुकी है तू उसे मिटा सकता है? मेरी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता है? मेरा घर फिर बना सकता है? जलील, गौरी तेरे हाथ छोड़ता हूँ, गौरी छोड़ दे, तुम्हें काम बताऊँ तेरे, गौरी छोड़ दे मुझे। बाबूजी गौरी भाग गई। भाग गई? ये कैसे हुआ? वो यहाँ से बाहर कैसे निकली? शायद दीवार फांद कर चली गई। दीवार फांद कर? ये तो बहुत ही बुरा। हमें फौरन पुलिस को फोन कर देना चाहिए। नहीं नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वो आ जाएगी। भैया क्या उसे दौड़ लगाने का शौक है जो भाग कर गई और भाग कर आ जाएगी? वो नहीं आएगी। वो आएगी, मैं जानता हूं वो आएगी, मैं जानता हूं। गौरी कहाँ जा रही है? इस दरवाजे के अंदर बंधन है और इसके बाहर आजादी। तू इस वक्त आजाद है, तू जहाँ चाहे जा सकती है। ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा, अब भी वक्त है, चली जा, चली जा। कहाँ जा रहा है?
ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी निशा मंजिलों के ये पैरों के छाले कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले कहाँ जा रहा है बंधन वो क्यों तोड़ डाले कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है आप पुलिस को फोन कर दीजिए तुम कहाँ गई थी मैं वापस आ गई हूँ लेकिन तुमसे कहा गया था तुम नहीं जा सकती और मैंने वादा किया था कि मैं वापस आ जाऊंगी मगर जब तुम्हें मना किया गया था तब तुम गई क्यों जानती हो क्या वक्त हुआ लेकिन मैं वापस आ गई हूँ इससे तुम्हारा कसूर कम नहीं होता बताओ कहाँ गई थी अपने एक मेहरबान दोस्त से मिलने कौन दोस्त कैसा दोस्त उसका नाम है बांकेलाल मेरे साथ काम किया करता था वो नाम का तो रसोईया है लेकिन उसका असली काम चोरी है और स्टेशन के पास वाली खाई में रहता है बस या और कुछ हाँ तुम किस लिए उसे मिलने गई थी मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना था यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसा हिसाब है ये मैं नहीं बताऊंगी अच्छा एक बात और तुम आश्रम से अकेली बाहर नहीं जा सकती थी बताओ तुम्हारी किसने मदद की किसी ने नहीं मैं खुद गई थी अकेली तुम झूठ कह रही हो देखो अगर तुमने सच सच बता दिया तो जो कुछ तुमने किया है मैं उसे भूल जाऊंगा और अगर नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी वही इलाहदा कमरा और मिलना जुलना बंद आप जो चाहे सजा दे सकते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं अच्छी बात तुम जा सकती बाबूजी मैंने इसकी मदद की थी ये झूठ है मैं सच कह रही हूँ बाबूजी मैंने इसके भागने का सारा इंतजाम किया था तुमने कुछ नहीं किया तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रही हो अगर सजा मिलेगी तो मुझे कह दो इनसे कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था कह दो नहीं गौरी बाबूजी के सामने सच्चाई को छिपाना ठीक नहीं लेकिन ये सच्चाई नहीं है ले जाओ आप इसे सजा नहीं दे सकते मुझे दीजिए अगर आपने मेरी वजह से इसको सजा दी तो आप पछताएंगे आप हमेशा मनमानी नहीं कर सकते मैं आपको ये नहीं करने दूंगी पुतली मैं तुम्हारे सच कहने पर बहुत खुश हूं लेकिन तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था जी मैं समझती हूँ माफी चाहती हूँ अच्छा जाओ तुम
गौरी की पिछली जिंदगी बड़ी विचित्र रही है और इसका उसके दिल पर बड़ा असर पड़ा है। हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आज रात आप उसे इलाहाबाद कमरे में रखिए, सुबह देखा जाएगा। गौरी चली गई, पुतली चली गई, दीदी चली गई, मगर तुम अभी यहीं बैठे हो। चिंता छोड़ो और चलकर आराम करो भैया। चलो चलो। बाबूजी ने कहा आज की रात तुम यहीं रहो, ये सिर्फ रात भर के लिए है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। मैं फिर से बुरी बन गई हूँ, मैंने फिर कुसूर किया है, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी लड़कियों से अलग रहना चाहिए ताकि मेरे कारण वो बिगड़ ना जाए, यही बात है ना? नहीं गौरी, तुम ऐसा ना सोचो, बस रात की रात यहाँ रहो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। समझी? तुम तो अच्छी लड़की हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और इससे भी ज्यादा अच्छी होकर दिखाऊंगी। इतनी अच्छी कि वो मुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकेंगे, समझी? अब यहाँ क्या खड़ी हो, चली जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा। बाबूजी, गौरी ने तूफान मचा रखा है। क्या किया है उसने? जैसे आपने कहा था, उसे अलग कमरे में रखा गया, लेकिन सुबह से उसने तोड़फोड़ शुरू कर रखी है। अच्छा? पलंग तोड़ डाला, बिस्तर फाड़ डाला, सारे शीशे तोड़ डाले हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देती। मुरली, मुझे अंधेरे में रोशनी नजर आ रही है। जिसके दिल में चोर होता है वही चुपचाप सब कुछ सह लेता है, और जो बेकसूर होता है वो सजा के खिलाफ आवाज उठाता है। कल गौरी बांकेलाल के घर गई थी, और बांकेलाल उसी घर में काम करता है जहां वो बेचारी चोरी के लिए पकड़ी गई थी। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन बांकेलाल का रोशनी से, रोशनी का गौरी से, गौरी का शीशों से क्या वास्ता है? जरूर है। तुम जाकर पता लगाओ कि गौरी वहां क्यों गई थी, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद भी ले लेना। जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा, तुम कहते हो तो जाता हूं। पुतली, जरा वो मेरा कोट तो ले आना। अशोक बाबू, आप नहीं जा सकते, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं डॉक्टर, मेरी देखभाल तुम्हारा फर्ज है, लेकिन उनकी देखभाल मेरा फर्ज है। तुम मेरे डॉक्टर हो, मैं उनका डॉक्टर। मोसे बेईमानी करी, मुझे से दूर से मन मोहना, मन मोहना, मन मोहना। मुझे अफसोस है बाबूजी कि आपको इस वक्त तकलीफ देनी पड़ी। कोई बात नहीं, दरवाजा खोल। नहीं बाबूजी, वो तो गुस्से से पागल हो रही है, जो भी अंदर जाता है उसे खाने को दौड़ती है, उस पर चीजें फेंकती है, मालूम नहीं उस पर कैसा दौरा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चिंता न कीजिए, आप दरवाजा खोल। नहीं नहीं बाबूजी, आप अंदर न जाइए। बाबूजी, बाबूजी, thank you.
कितना अच्छा गला पाया है, बहुत अच्छा गाती हो। संभल के कहीं पांव पे न लग जाए। खड़ी क्यों, बैठ जाओ। कहाँ? ओ हाँ, कमरे का तो वाकई नक्शा ही बदल दिया है तुमने, काफी मेहनत की है ना? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। ये तो मैं देख ही रहा। अब मेरे लिए क्या सजा है? बहुत बड़ी सजा। क्या? वही गाना जो तुम इस वक्त गा रही थी, अब तुम्हें दोबारा गाना पड़ेगा। गाना? मैं गाना नहीं जानती। जानती हो, बहुत अच्छे, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? खैर कोई बात नहीं, अब मैं शीशे तोड़ता हूँ और तुम गाना गाओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, आप शीशे क्यों तोड़ते हैं? क्या करूँ मैं, शीशे तोड़ूँ? देखिए ना, सुनिए, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। आता है, अगर तुम गाना नहीं सुनाओगी तो ये जितने शीशे बचे हुए हैं मैं इनको भी तोड़ डालूंगा। सुनिए सुनिए, मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। गाओगी ना? लेकिन यहाँ नहीं, मुझे बाहर ले चलिए। अच्छा अच्छा, चलो बाहर। यहां तो गा सकते हो, गाओ। हाँ शुरू करो।
खूब, बहुत खूब। मेरा ख्याल था तुम अच्छा गाती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। आज मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ हूं, बहुत खुश। गौरी, शायद तुम नहीं जानती तुम क्या हो। हीरे को अपनी कीमत मालूम नहीं होती। आओ चलो, देखो ये कमरा कितना अच्छा है ना, बैठो। और इस खिड़की के शीशे भी काफी मजबूत है, अब इन्हें मत तोड़ना। जी, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं अच्छी बन जाऊंगी, मैं वादा करती हूं। शाबाश गौरी, मैं तुमसे यही चाहता था, तुम्हारा वादा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम चाहे आश्रम के सारे नियम तोड़ डालो, मेरी एक ना सुनो, लेकिन तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ोगी, मैं जानता हूं। हां गौरी, एक बात है, आज मैं उस बांकेलाल के बारे में सोच रहा था, जहां तक मेरा ख्याल है वो माला तुमने नहीं चुराई थी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं कहता हूँ कि सीधी तरह मेरा मांग मुझे दे दे। अरे मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, अगर हारने की हिम्मत नहीं तो खेलता क्यों है? खेलता क्यों है, तूने मुझे धोखे से लूटा है। अरे हाँ हाँ, मैं खेलकर जीता हूँ, तेरा जो जी चाहे कर ले। मैं सब जानता हूँ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कहाँ जान से मारेगा? रुपया नहीं देगा। अरे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कहता हूँ छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या तमाशा है? तमाशा? वाह प्यारे, अजीब बात है, अरे तुम झगड़े को तमाशा कहते हो? तो यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे मैं कहा कर रहा हूँ, ये कर रहा है, बात यह है ये मुझसे पत्ता खेला है, मैंने इसका माल जीत लिया है, अब ये मुझे लूटना चाहता है। क्यों बे, बड़ा दादा बनकर यहाँ घूमते हो? चल हट, चल हट, भाग भाग और जाकर अपना काम करो। चल, अरे जा बोलता है ना, जा। क्यों पहलवान जी? हाँ जी। बड़े तेज खिलाड़ी मालूम होते हो, होते हैं दो दो हाथ? अरे क्यों नहीं प्यारे, मगर देखो बात यह है, मैं जरा बड़ा हाथ खेलता हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम जितना चाहो बड़ा हाथ खेलो। ये मुंडावा सर देखते हो? हाँ देखता हूँ। अपना बाप कल ही मरा है और वो औलाद के साथ अपना रुपया भी छोड़ गया है। अच्छा चलिए पहलवान जी, पहले आप। नहीं पहले आप। पहले आप? नहीं आप। अच्छा तो पहले मैं जी। चलिए। वाह वाह, क्या रईसी अड्डा है, यहाँ तो बड़े बड़े रईस लुट जाते होंगे। जानते हो बादशाह ये अड्डा किसका है? किसका? मिस्टर बांकेलाल। बांकेलाल? अरे लखनऊ में बड़े बड़े बांके होते थे प्यारे, वो नखरा, वो नाज, वो अंदाज के आदमी देखे तो शर्म से पानी पानी हो जाए। तो ये है बांकेलाल जी, मगर ये इनका नक्शा किसने बिगाड़ रखा है? पहलवान जी, हाँ जी, ये नक्शा बिगड़ा नहीं, बनाया गया है। बनाया गया है? वो कैसे? मोहब्बत। मोहब्बत? यानी कि मजनू घायल? ये तो बताओ कि वो आगमार का लैला कौन है? गौरी। गौरी? वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। पहलवान जी, अपनी आवाज का वजन हल्का करो। कर लिया, मगर ये तो बताओ कि उसने ये तुम्हारी मरम्मत क्यों की? मेरे को जरा ठीक हो जाने दो, फिर मैं उसको देख लूंगा। अपने आप को बहुत कुछ समझती है, बहुत ऊंची उड़ती है। एक दाव मैंने ऐसा लगाया था कि उसका पर फड़फड़ाना बंद कर दिया था। क्या किया था तुमने? प्यारे, एक माला उठा करके उसके पल्लू में बांध दी, फूके से आ गई और मुझ पर बरस पड़ी। अब मैंने भी कहा कि औरत की जात है, जाने दो। उस्ताद तुमने बहुत अच्छा किया, मगर बात यह है कि वो पहलवान जी। हाँ जी, सब तो पुरानी कहानी है प्यारे, और पहले हो जाए दो दो हाथ, ना जाने फिर कब आओगे। आ जाऊं? चलो चलिए। खोलता हूँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अरे भाई लोग, अरे पुलिस, पुलिस, पुलिस आई है। पुलिस? अरे भागो, भागो, भागो। कमांडर, यहीं ठहरो, इन सबकी तलाशी ले लो। ओ
बाके, ये सब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को तो बांके ने बुलाया था। चुप। मेरा बाप मर गया तो उसके बरसे खाने पाए थे हुजूर। बकवास मत। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये माल मिला है इंस्पेक्टर साहब। ये गहने किसके? ये तो मेरी बीवी के हुजूर। बीवी कहाँ है? शादी कब हुई? वो तो शादी के पहले ही मर गई हुजूर। चुप। हुजूर, ये सब कुछ बांकेलाल ने ही चुराया, हम लोग इसका फैसला अदालत में होगा। देखो, कोई भागने की कोशिश मत करना। बाबू बांकेलाल जी, 100 दिन चोर का तो 1 दिन साध का। अब आप आराम से जेल खाने तशरीफ ले जाइए, वहां आपको दिन में तारे नजर आएंगे। दीदी, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? अंदर चलो, वो आप ही सब कुछ बता देंगे। लेकिन मैंने कोई गलती तो नहीं की? तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। गौरी, पुलिस ने बांकेलाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से चोरी का माल मिला था और उसने यह भी कबूल कर लिया है कि वो माला उसी ने तुम्हारे पल्लू में बांधी थी। अब तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। लो, पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि अब तुम आजाद हो। आजाद? हाँ गौरी, अब तुम यहां से जा सकते। लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। मुझे यहां रहने दीजिए। आपको आश्रम के काम के लिए लोगों की जरूरत रहती है ना, मैं आश्रम का काम करूंगी। दीदी, इनसे कहिए ना कि मुझे यहां रहने दे। इसे यहां रहने दीजिए बाबूजी। अच्छी बात है, अगर ये तुम्हें यहीं रखना चाहती हैं, तो रहो। जब तक हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर नहीं ढूंढ लेते, यहीं रहो। जी, शुक्रिया। गौरी, अब शीशे वीशे मत तोड़ना, बहुत महंगे हैं। 8 रुपए 14 आने गज। नहीं दर्शन। जी हाँ। जी नहीं। और सुनो, ये सब तुम्हारे लिए मुरलीधर ने किया है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे नहीं शुक्रिया वुक्रिया चाहिए भैया, शुक्रिया तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुमने दिमाग घुमाया है। नहीं, मेरा मतलब है तुमने दिमाग लड़ाया है और मैंने जबान घुमाई है, क्योंकि लड़ाई तो फौज करती है और नाम कप्तान का होता है। क्यों गौरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप लोग बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने आपने जो कुछ भी मेरे लिए। सुनो, मैं आजाद हूँ। शशि, क्या हुआ? ये एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। किसकी कहानी दीदी? एक छोटी सी गुड़िया की कहानी। सुना दीदी। सुनेगी? हंसे आ चल में
जी नमस्ते, आप इस आश्रम की स्टूडेंट हैं? जी, कहिए। जी यहाँ एक लड़की रहती है पुत्री, मैं जरा उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन किस लिए, आपको उससे क्या काम? जी असल में बात यह है कि मैं उसके गांव का रहने वाला हूँ, रिश्तेदार भी हूँ। उसकी बूढ़ी माँ बेचारी बहुत बीमार है और उसने पुत्री के लिए एक संदेशा भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे मिल लूं। आपका नाम? जी मेरा नाम चंदूलाल। अच्छा आप यहीं ठहरिए, जी मैं जाकर उसे देखती हूँ। मिलने आया था पुतली, लेकिन ये मिल गया है। अच्छा मौका हाथ में आ गया है पुतली, देख कितना रुपया, देख तो सही। इसे वही रख दे, वही रख दे इसे। क्या मतलब? मतलब ये कि तू ये रुपया नहीं चुरा सकता, रख दे वही, नहीं तो अभी शोर मचा दूंगी। पागल ना बन पुतली, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता, आधा मैं इसमें तेरे लिए भी रख दूंगा। देख चंदू, ये आश्रम का रुपया है, ये गरीबों की रोटी है, तू इसे नहीं ले जा सकता। चाचा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इससे वही रख दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख ले, बड़ी आई है जान से मारने वाली। चंदू क्या जा, चंदू चंदू, दीदी दीदी दीदी, चोर चोर Thank you.
बैठो बैठो। पुतली, आज तुमने उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। शुक्र है तुम बच गई, लेकिन तुमने यह खतरा क्यों मोल लिया? बाबूजी, मैं भी चोर थी, मैं भी लोगों की चीजें चुराया करती थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिसकी चोरी होती है उसके दिल पर क्या गुजरती है। ये मुझे आज ही मालूम हुआ बाबा जी। आज जब मैंने उस शख्स को चोरी करते देखा तो मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लूट रहा है, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। बाबू जी, आज मुझे मालूम हुआ कि बुरा आदमी बनना कितना बुरा है। शाबाश पुतली, शाबाश। आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता बाबूजी? दुनिया का बोझ कम हो जाता। बोझ? तुम? उतनी हमें तुम पर नाज है, सारे आश्रम को तुम पर नाज है। इसलिए नहीं कि तुमने आश्रम का 3000 रुपया बचाया है, बल्कि इसलिए कि आज नेकी की जीत हुई है। ये सच्चाई की एक छोटी सी जीत है पुतली। ये देखो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ पुतली, इससे तुम फिर से जिंदगी शुरू करो, अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। बाबूजी, गौरी, गौरी देख मुझे बाबूजी ने क्या दिया, मेरी मशीन। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ गौरी, बहुत अच्छा हुआ। गौरी, आज तक मैं लोगों की जेबें काटती रही हूँ, अब पीने की कोशिश करूंगी। क्या बात है! इससे मेरे पिछले पाप कुछ धुल जाएंगे, है ना गौरी? आज तुमने जो खून बहाया है उससे तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं पुतली। छोड़ दो, आने दो। अच्छा तो तुम हो? क्यों साहब, क्या काम? मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? जी। क्या नाम है उसका? राधा। ओ तो राधा तुम्हारी बीवी? जी हाँ। वो यही? उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे घर ले जाऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो तुम्हें छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हें उससे क्या वास्ता? हो सकता है तुम्हारी बीवी को इससे वास्ता हो। जब वो यहाँ आई थी तो जख्मी थी, तुम उसके पति होकर उसकी देखभाल नहीं कर सकते, बल्कि उसे डांटते हो, कोसते हो, पीटते हो। वो मेरी बीवी है, मैं चाहू उसे जान से मार डालो, तुम्हें उसे यहाँ रखने का क्या हक है? इंसानियत का हक। मैंने तुम जैसे इंसान बहुत देखे, तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हो, तुम्हारा आश्रम एक धोखा है। अगर तुमने मेरी बीवी को फौरन में साथ ना भेजा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ मार डालो। मेरी जिंदगी कोई ऐसी कीमती नहीं है, मेरे मरने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैंने वाकई तुम्हारा कोई नुकसान किया है तो बेशक मुझे मार दो, देखते क्या हो, मारो ना। तुम इन बातों से दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुमने मेरी स्त्री को भगा दिया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तुम सोचते हो कि हमने तुम्हारा घर उजाड़ दिया है, लेकिन क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि अगर वो यहां ना आती तो क्या करती? तुम इसके ठेकेदार नहीं हो, मुझे सब कुछ मालूम है। कुछ मालूम नहीं, मुझसे कि मेरे अंधे हो गए, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी बीवी कहां है और क्या कर रही है। इन बच्चों को देखते हो, इनमें और दूसरे बच्चों में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? ये भी उन्हीं की तरफ फूल जैसे है ना, बेदाग है ना, मासूम है ना। लेकिन इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में एक फर्क है, इनके मां बाप इन्हें पैदा होते ही खेतों में, सड़कों पर, गंदगी के ढेरों पर छोड़ गए थे ताकि चील, गीदड़ और कुत्ते इन्हें नोच नोच कर खा जाएं।
जानते हो क्यों? क्योंकि ये अपने मां बाप के पाप की जीती जागती निशानियां हैं। समाज इन्हें नाजायज बच्चे कहकर पुकारता है, लेकिन समाज ये नहीं सोचता कि नाजायज बच्चे नहीं होते, नाजायज मां बाप होते हैं। हम इन बच्चों को यहां रखते हैं क्योंकि हम इन्हें जिंदा रखना चाहते हैं, हम इन्हें जमाने की ठोकरों से बचाना चाहते हैं, हम इन्हें महसूस कराना चाहते हैं कि दुनिया में इनकी भी कोई जगह है, इनके भी कोई अधिकार है। कौन कह सकता है इन्हीं में से कोई बड़ा होकर इंसानियत का देवता बन जाए, देश के माथे का तिलक बन जाए। मेरे कमला, इस लड़की को देखते हो? ये भी तुम ऐसे एक इज्जतदार आदमी की बीवी है। इसका पति थोड़े दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया, इसे अपने किसी रिश्तेदार के पास छोड़ गया ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन उस नर्क शायस ने जबरदस्ती इसकी इज्जत का खून करना चाहा, लेकिन इस बहादुर लड़की ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस कमबख्त का खून कर लिया। इसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कानून अंधा नहीं था, अदालत ने इसे निर्दोष ठहराया और इसे बरी कर दिया। लेकिन इसके पति ने इसको निर्दोष नहीं ठहराया, उसने सिंदूर को कालक समझकर इस पर थूक दिया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सहारा ढूंढती ढूंढती हमारे पास आई है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये लड़की यहां ना आती तो जानते हो उसकी क्या हालत होती? और इन तस्वीरों को देखते हो, इन दुल्हनों को देखते हो? जब ये यहां आई थी तो कोई यतीम थी, कोई लावारिस थी, कोई बाल विधवा थी, कोई लुटी हुई कुमारी थी। अब इन सब की शादी हो चुकी है और इनमें से एक एक को घर की लाज समझा जाता है। और इन नौजवानों को देखते हो, इनमें इंसानियत है, हिम्मत है। इन्होंने समाज की ठुकराई हुई लड़कियों को अपनाया है, इन्होंने धूल में गिरी हुई कलियों को उठाकर अपने सीने से लगाया। मैं निमान समझता हूं, आश्रम हमने नहीं तुमने बनाया। अगर दुनिया में तुम जैसे लोग ना होते तो इस संस्था की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई में गलत समझा था, मुझसे गलती हो गई। गलतियां इंसान ही से होती हैं, लेकिन इंसान वो है इसे अपनी गलतियों पे अफसोस हो। बाबूजी, देखो कौन आया। घर चल रहा था, मुझे माफ कर देना। इससे नींद आ जाएगी और आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए अभी पूरा आराम करना होगा। काम आम बिल्कुल नहीं, समझे आप? कैसे है वो दीदी? पहले से कुछ अच्छा है, लेकिन दिल की बीमारी का कोई भरोसा नहीं, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। दीदी सब्र से काम लो गौरी, हम कर ही क्या सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी अच्छे हो जाए। भगवान उनके लिए कुछ नहीं कर सकता दीदी, भगवान अच्छे आदमी के लिए कुछ नहीं करता। हम यहाँ भगवान भगवान करते रहेंगे और वो वहां खत्म हो जाएंगे। गौरी, उन्हें इस वक्त भगवान की नहीं इंसान की जरूरत है, हमारी जरूरत है। मुझे वहां जाने दो दीदी। नहीं गौरी, डॉक्टर ने मना किया है, उनके पास कोई नहीं जा सकता। भगवान और डॉक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उन्हें बचा नहीं सकते दीदी। भगवान और डॉक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां।
पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तुम जी यहां कैसे हैं? चल के क्या वक्त हुआ है? कोई एक बजा होगा। ओ, तो खूब सा है। हाँ, पूरे 14 घंटे। अब आप कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल अच्छा। उठिए मत, आप लेटे रहिए, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया। तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, अपने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने गई थी। और सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ और तो कोई नहीं था, मुरली बाबू वहाँ दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तो क्या तुम इतनी देर तक यहाँ अकेली बैठी थी? आप जो थे। गौरी, तुम आश्रम से भाग आई हो, तुमने फिर आश्रम का नियम तोड़ा है? वो तो मैं हमेशा तोड़ती हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। तो तुम इसी वक्त वापस चली जाओ। क्या ये आपका हुक्म है? यही समझो। तो मैं नहीं जाती गौरी, मैं आपका ये हुक्म नहीं मानूंगी। अब तक आप हुक्म देते आए हैं, अब आपको मेरी सुननी होगी। नहीं नहीं, मुझे यहां रहने दीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं, कोई मुझे चाहता नहीं, सब ठुकराते हैं। आप तो ना ठुकराइए, मुझे यहां रहने दीजिए, मैं कोने में पड़ी रहूंगी। लॉरी, मुरलीधर को जगा दो, वो तुम्हें आश्रम पहुंचा है। गौरी, इधर आओ। गौरी, मैं जानता हूं तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, लेकिन मेरे लिए अब जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं।
तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हो रही है। लेकिन लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन गौरी, हर लड़की को एक घर की जरूरत होती है। उसे एक घर चाहिए जिसे वो अपना कह सके, एक सहारा चाहिए। जी हाँ, समझती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा घर कहाँ है, मेरा सहारा कौन है और मुझे किसके लिए जिंदा रहना है। तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। तुम मौत को जिंदगी समझ रही हो, खंडरों में घर बसाना चाहती हो। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। पूछिए नहीं, लेते रहिए। तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो कभी ऐसी बात नहीं कहती, कभी ऐसी बात नहीं सोचती। मैं तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता हूँ और तुम उसे तबाह करना चाहती हो, यही है ना? आपको क्या हो रहा है? आप परेशान ना होइए, लेते रहिए। जब तक तुम अपना कहना वापस नहीं लेती, मुझे कभी चैन नहीं आएगा। आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान के लिए आप लेटे रहिए, बैठिए ना। तुम बड़ी नादान हो गई, बड़ी नादान। बैठ। गौरी, तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है ना? तुम चाहती हो मैं जल्द अच्छा हो जाऊं? तो मेरी एक बात मानोगे? आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले आप जल्दी अच्छे हो जाइए, आप जो कहे मैं करूंगी। वादा करती हूँ? हाँ, मैं वादा करती हूँ। तो तुम किसी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। शादी, घर? हाँ गौरी, तुमने बहुत मुसीबतें उठाई, बहुत ठोकरें खाई। अब तुम्हें घर की जरूरत है जहां तुम्हें खुशी मिले, सुख मिले, जिंदगी मिले। कहो गौरी। हां कहो। मुरलीधर, मुरली, क्या है भैया? यहाँ जल्दी आ रहा। क्या है भैया? कमाल हो गया, जिस आदमी की मुझे इतने दिनों से तलाश थी वो मुझे मिल गया। कौन मिल गया? तुम मुरली, तुम। मैं तो भैया यहीं था, मुझसे कोई कसूर हुआ क्या? नहीं नहीं, तुमसे कसूर नहीं हुआ, कसूर मुझसे हुआ है। तुम दिन रात मेरे साथ रहते हो लेकिन जाने क्यों, पहले मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं है। किस बात का भैया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी ना करो, मैं अभी बताता हूँ। सुनो, डॉक्टर कहता है ना कि मुझे आराम की जरूरत है। हाँ भैया। और तुम लोग भी कहा करते हो कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक भैया। तो मैंने जाने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। तो तुम चाहते हो भैया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं अभी जाकर बिस्तरा बांधता हूं, हम आज ही चलते हैं। नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। अकेले जाओगे तो फिर मुझे क्यों बुलाया भैया? सुनो मुरली, तुम्हारे जिम्मे यहां एक बहुत जरूरी काम है, तुम्हें यही रहना होगा मेरी खातिर। सब बकवास है भैया, मैं तुम्हें अकेला कहीं ना जाने दूंगा। बताओ काम क्या है?
गौरी को जानते हो ना? अच्छी तरह। वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी? बहुत अच्छी। उसने जिंदगी में बहुत मुसीबतें उठाई है मुरली, अब उसे एक घर की जरूरत है, एक साथी की जरूरत है। भैया यही बात मैं तुमसे कहने वाला था, तुम गौरी को भी अपने साथ ले जाओ, शादी का सब इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम कोई फिक्र ना करो। पागल मत बनो, मैं तुमसे दरखास्त कर रहा हूं, तुम गौरी के साथ शादी करो। मैं गौरी के साथ मैं शादी करूंगा? भैया तुम पागल हो गए हो। नहीं मुरली नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं, आखिर तुम्हें भी तो अपना घर बसाना है। गौरी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साथी बनेंगे, मैं जानता हूं। भैया गौरी को मैं भी जानता हूं, मुझसे शादी करने से पहले वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी? क्यों क्यों? भैया इसकी वजह तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन उसने मेरे साथ वादा किया है मुरली, वादा किया। तुम उसे मजबूर करके उससे कोई भी वादा ले सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका दिल कहां है, वो किसके लिए जिंदा है। बिल्कुल गलत, वो मासूम, वो नहीं जानती उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो भटक रही है तो हमारा फर्ज है उसे सही रास्ते पर ले आना। अगर तुमने उसकी जबरदस्ती शादी किसी और के साथ कर दी तो भी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी भैया। नहीं नहीं मुरली, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल हमेशा गलत होता है, लेकिन भैया इस बार तुम गलत हो। तुम मुझे समझने की कोशिश करो मुरली, मुझे समझने की कोशिश करो। गौरी के दिल को मैं भी समझता हूं, और मैं खुद ना कोई देवता हूं ना पत्थर, मैंने इस बारे में खूब सोचा खूब सोचा, और अब मुझे वही करना है जो गौरी के लिए ठीक है, आश्रम के लिए ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये सवाल किया भैया, अगर मुझे मालूम हो जाए वो सही हाथ में चली जाएगी तो मुझे कुछ इत्मीनान हो जाए, अब मेरा चैन तुम्हारे हाथों में। भैया तुम मुझे भैया कहते हो, मुझे अपना बड़ा भाई समझते, क्या तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? भैया तुमने हजारों आदमियों को जिंदगी दी, उन्हें जिंदा रहना सिखाया, अब खुद ही जिंदगी से भागना चाहते हो? हाँ हम अभी मैं भागना चाहता हूं, अब मैं जिंदगी से और नहीं लड़ सकता, बिल्कुल हार गया, हार गया। अच्छा अच्छा तुम जाना चाहते हो ना, मैं तैयारी करता हूं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मेरे हां में तुम्हें खुशी है तो हां ही समझो। गौरी ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तुम्हारा भी अपना घर होगा, तुम्हें भी सुख और आराम मिलेगा, मुरलीधर बहुत ही अच्छा आदमी है। गौरी वो तुमसे जरा मिलना चाहता है, उसे अंदर भेज दो। गौरी देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, तोहफा बड़े काम की चीज है, किसी की शादी हो या सगाई, किसी का जन्मदिन हो या त्यौहार, किसी को मस्का लगाना हो या बेवकूफ बनाना हो तो तोहफा बड़ा काम आता है। गौरी बात में नहीं नहीं सब बकवास है। गौरी देखो मैं तुम्हारे लिए गहने और कपड़े लेकर आया हूं। गौरी देखो गौरी गौरी मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूं और तुम चुपचाप खड़ी हो, आखिर इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ, मुझे आज तुमसे बहुत कुछ कहना है। बैठो बैठो यहां। मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब देती जाओ, हां या ना, समझी? ये तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है? जी हाँ। और ये भी जानती हो कि शादी किससे तय हो चुकी है? जी हाँ। तो तुम खुश हो ना? जी हाँ खुश हूं। खुश हो ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम सब कुछ भूल गई? जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी तो भैया ने तुम्हें बचाया, और आज जब भैया की जिंदगी और मौत का सवाल है तो तुम यहां आराम से बैठी हो, शादी कर रही हो,
खुश हो। लेकिन ये उनका हुक्म है। उनका हुक्म है? तुमने आज तक भैया का हुक्म कभी नहीं माना, तो अब क्यों मानती हो? लड़कियों की खोपड़ी भी उल्टी होती है। जब हुक्म मानना चाहिए था तब नहीं माना, और जब नहीं मानना चाहिए तो कहती हो ये उनका हुक्म है, फरमान है, आदेश है। मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? सुनो, भैया ने दूसरों के लिए अपने आप को तबाह कर लिया है। वो दूसरों के लिए दिन रात काम करते रहे हैं, अब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो यहां से चले जा रहे हैं। कहां? मालूम नहीं, ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। साथ कौन जा रहा है? वो किसी को साथ ले जाना नहीं चाहते, मुझे भी नहीं। लेकिन उनका अकेले जाना ठीक नहीं है, उन्हें रोकना चाहिए। तो मैं इतनी देर से क्या बकवास कर रहा हूं? तुम ही उन्हें रोक सकती हो, तुम ही उन्हें वापस ला सकती हो, तुम ही उन्हें बचा सकती हो। कहो, ये मेरा फर्ज है या तुम्हारा? मैं उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। तो जाओ, जल्दी जाओ, वरना वो चले जाएंगे। गौरी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, ले लो, इसे अपने बड़े भाई का तोहफा समझो। बाहर गए। कहाँ? घूमने। कहते थे कि जाने से पहले एक बार समुंदर देखना चाहते हैं। बहुत देर से गए हैं। बहुत देर से गए हैं जी। गौरी जी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये चक्कर आ गया था, लेट गया। हाँ। लेकिन तुम यहां कैसे आई? आप चले जा रहे थे ना मुझे छोड़कर, तो क्या तुमने? जी हाँ, मैंने फिर आपका हुक्म नहीं माना। तुमने वादा किया था गौरी। मैंने वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुझे अपना जीवन ज्यादा प्यारा है, और मेरा जीवन है आप। समझ गए? सुना गौरी, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। आप जिएंगे, 100 बरस जिएंगे, अब आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मौत भी नहीं। चलिए वापस उसी जीवन के रास्ते पर जो आपने मुझे दिखाया। अब हमारे सामने कोई सीमा नहीं। उठिए।